कल पवित्र रमजान माह का अंतिम दिन है और ईद को बस चंद घंटे ही बाकी हैं। लेकिन ये देश की पहली ऐसी ईद होगी जिसमें लोग ना मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, ना किसी के घर जाएंगे, ना हाथ मिलाएंगे, ना गले मिलेंगे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर रोक लगा दी है। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सैयद इरफान ने भी अपील की है कि ईद के बजट की आधी रकम लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों की मदद पर खर्च करें। आपको बताते चले, विश्व विख्यात धर्म गुरु सैयद इरफान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर काफ़ी चर्चा में थे, जिसके कारण उन्हें तमाम धमकियां भी मिली थीं। सैयद इरफान न सिर्फ धर्म गुरु हैं बल्कि किछौछा में उनकी छवि एक समाज सेवी की है, जो अपने समाज सेवा के कारण लोगों के दिलों में अपना घर बना चुके हैं। कोरोना के प्रकोप से लोगों की रोजी रोटी रोजगार सब बंद हो गया है। इस कारण ज़्यादातर परेशानी गरीब दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है, मगर लॉकडाउन लगने के बाद उन तमाम मजदूरों को सभी तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं सैयद इरफान। सैयद इरफान ने बताया, लॉकडाउन के शुरुआती दौर में दाल, चावल, आटा, प्याज, मिर्चा, आलू, नमक, साबुन आदि चीज़ों की मदद लोगों को डोर टू डोर बांटा गया। उन्होंने यह भी बताया, जब से रमजान शुरू हुआ है तब से रोजेदारों के लिए इफ्तार बांटने का काम कर रहे हैं। अब ईद के मौके पर हम निचले तबके तक कपड़ा, 200 रुपया, सेवई, चीनी आदि सामान लगभग 2000 परिवारों तक पहुंचा चुके हैं, जिसमें हमारे सहयोगी सैयद अब्दुल्ला, सैयद उस्मान, गुड्डू भाई, संदीप कुमार, साहबुद्दीन अहमद आदि तन मन धन से हमारे साथ लगे हैं। हदीस शरीफ में आया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के बादशाह का हुक्म मानो और हुब्बुल वतन निसफुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। तरीका यह है कि जिस तरीके से अभी ईद की नमाज का मामला है तो वो न पढ़ के, क्योंकि हर जगह महामारी कोरोना से लोग पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं और मामला बढ़ता जा रहा है, उसका रास्ता ये है कि घर में 2 रकात नमाज चाश की पढ़ी जाए, नमाज नफिल अदा किया जाए 2 रकात या 4 रकात, ये तरीका है। तो जरूर, क्योंकि वो वाजिब है और जब ऐसे हालात हैं तो उसको भी तर्क कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और घर के नमाज पढ़ी जाएगी, उसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। हमने तमाम उलमा इकराम, तमाम मुहद्दिसीन से हमने बात किया है, उन्होंने कहा कि ईद का बदल ये है कि 2 रकात नमाज चाश की घर पे ही अदा किया जाए, 2 रकात या 4 रकात, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। आपके द्वारा इस ईद के लिए क्या तैयारियां की गई और लोगों को सहायता प्रदान की गई? हाँ जी बिल्कुल, हम पूरे तरीके से इसमें, इस बार हमारे पूरे फैमिली में किसी ने ईद की शॉपिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। जो पैसा हम लोगों ने ईद की शॉपिंग के लिए रखा था, तकरीबन 90,000 से 95,000 रुपया हमारे बच्चों के लिए, अपने लिए और हमारे जो भी पूरे घर होल फैमिली के लिए, तो वो हम लोगों ने गरीबों में सेवई, खजूर, साबुन और चना और प्लस हर किट पर 200 रुपया रखकर दिया। हम तकरीबन 450 से 500 लोगों को हमने इसको वितरण किया है। अम्बेडकर नगर से तौफीक के साथ आशुतोष ओझा की रिपोर्ट।